जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं। हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जम्मू भी हमारा किसी से कम नहीं है। अब जम्मू के भी लीडर्स बड़े बड़े पर्दों पे नजर आ रहे हैं। बात करें लीडर्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो जाने माने आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े पर्दों पे देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ विक्रम शर्मा जी हैं। स्वागत है सर आपका। ईरा ऑफ 90s पिक्चर्स जो रिलीज़ हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो आप कल देखिए वहाँ पे आके। बेसिकली आज का ये जो वक्तव्य देने की बात थी वो ये थी कि जितने भी हमारे प्रेस के भाई बंधु हैं उनके लिए एक स्पेशल शो जो है वो कल के लिए रखा गया हुआ है 12:20 पे। पाम आइलैंड में पिक्चर लगी हुई है, ये हर रोज़ वहाँ पे 12:20 का शो चल रहा है, लेकिन कल ट्यूसडे का जो शो है वो मीडिया भाइयों के लिए है। और मैं सब मीडिया, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मैं मीडिया भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9419690007 है, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हाई भेजिए, इंटरेस्टेड लिखिए, और सो दैट मैं आपका वहाँ पर फिगर काउंट कर लूँ कितने लोग आ रहे हैं मेरे मीडिया भाई वहाँ पे। और कल 12:20 का शो जो है वो आप सब वहाँ पे आकर मेरे साथ देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और स्पेशल शो आपके लिए। उसके बाद आप अपने रिव्यूज़ दीजिए। एयर ऑफ 1990 जो पिक्चर है, ये एक वीडियो पायरेसी के ऊपर, 1990 के दशक में जो वीडियो पायरेसी होती थी उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। होलसेम एंटरटेनर है, बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं इसमें, सारा खान जी हैं इसमें अपने मीर सरवर जी हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जम्मू के जो एक्ट्रेस हैं जैसे सपना सोनी जी हैं, जो कलर्स में अभी उड़ारियाँ में आपने देखा होगा कितने एपिसोड्स करके आई हैं, अब वो फिर से बॉम्बे जा रही हैं अगले अपने दूसरे शो के लिए, वो भी इस फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका में है। तो मैं अपने सब मीडिया भाइयों से बोलता हूँ कि कल 12:20 पे आप प्लीज़ वहाँ पे आइए, पाम आइलैंड पे 12:20 का शो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब मिलके वहाँ पे अपने रिव्यूज़ दीजिए इस फिल्म को देखिए। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो क्या लोकल जम्मू के हैं या बाहर के भी हैं, और कितने आर्टिस्ट हैं जो इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें कम से कम कोई 70 के करीब आर्टिस्ट हैं, और उसमें से 90% जो आर्टिस्ट हैं वो जम्मू से हैं, और उसमें से 10% बाहर के हैं। जैसे मैं सारा खान जी का नाम लिया जो बॉलीवुड से है, फिर मैंने नाम लिया मीर सरवर जी का, वो बॉलीवुड से, हालांकि वो कश्मीर से हैं। उसके अलावा जम्मू के हैं सपना सोनी जी हैं, रानी भान जी हैं, शदाब जी हैं, अतानी हैं, और बहुत से लोग जो हैं जो जम्मू को रिलेटेड, और अर्जुन मन्हास जो मेन लीड कर रहा है वो जम्मू से है, हमारे जम्मू का बच्चा है, वो लड़का है, वो बहुत बढ़िया रोल किया उसने। तो मैं चाहूँगी आप सब मीडिया वाले आइए, कल पिक्चर देखिए और उसके बाद अपने रिव्यूज़ दीजिए। आपके जम्मू के लोगों ने उसमें काम किया, और जो बॉलीवुड में पिक्चर लगी है और सिल्वर स्क्रीन के ऊपर है, पर्दे पर पिक्चर है, उसको आकर रिव्यू कीजिए। कितना बजट है इसमें जो आपने बनाया, क्या बजट गया होगा? देखिए, बजट के ऊपर बात करना, क्योंकि प्री प्रोडक्शन चलती है, फिर फिल्म रिलीज होती है, पोस्ट प्रोडक्शन होती है उसकी, अभी बजट को हम पूरी तरह कैलकुलेट करके बता नहीं सकते, लेकिन ये बजट है 100 करोड़, ऐसी बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने फिल्म से कमाया। 100 सिनेमा अक्रॉस इंडिया ये पिक्चर लगी है, थिएटर्स में लगी हुई है, तो बजट जो है वो तो नेचुरली पिक्चर जब बनती है तो उसका बजट तो जाता ही जाता है, आप जानते हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जम्मू के लोग जो हैं बॉलीवुड में ज़्यादा ज़्यादा रिफ्लेक्ट हों, इसलिए 100 थिएटर्स अक्रॉस द इंडिया ये पिक्चर लगी हुई है, और जम्मू में पाम आइलैंड में 12:20 पे शो है। कल का शो जो है पर्टिकुलरली मीडिया के भाइयों के लिए आप जरूर आइए। जैसे कि कल के लिए आपने मीडिया के लिए रखा है, आम जनता के लिए क्या एक आप मैसेज देंगे? आम जनता से तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो पिक्चर देख रहे हैं, रिव्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं इस पिक्चर को, मैं आम जनता से कहूँगा कि क्योंकि हो सकता है ये फ्राइडे को आने वाले ये पिक्चर उतर जाए, क्योंकि एक ही हफ्ते का स्लॉट मिला था, लेकिन अगर ऐसा ही हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो हम सोचते हैं कि इसको और एक हफ्ता आगे एक्सटेंड करते जाएंगे अगर हमको अच्छा रिस्पॉन्स। सबसे पहले मीडिया के लोगों को हम लाना चाहते हैं, वो देखें उनका रिस्पॉन्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मूवी नेम जो रखा हुआ है ईरा ऑफ 1990s, क्या सोच के रखा गया? देखिए, 1990 इसलिए रखा, एयर ऑफ 1990 वो इसलिए क्योंकि फिल्म में जो प्रोजेक्शन की गई है वो 1990 के दशक की कुछ बातों को प्रोजेक्ट किया हुआ है। मैं आपको पूरी पिक्चर तो नहीं बता सकूँगा, थोड़ी मिस्ट्री भी है, थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है, लेकिन फिर भी जो वीडियो पायरेसी होती थी उन दिनों में, आपको पता है अक्रॉस द बॉर्डर वीडियोज़ जाती थी, कैसेट्स जाती थी, उनकी पायरेसी होती थी, बहुत बड़ा सिंडिकेट होता था, उसको किस तरह से इस फिल्म में एक्सपोज किया गया, उस टाइम पर क्या होता था, किस तरह से चलती थी, कोई डिजिटल वर्ल्ड तो था नहीं, तो किस तरह से वो एक्सपोज किया गया उसमें इस फिल्म में दर्शाया गया। और होलसम एंटरटेनर है ये पिक्चर, और जम्मू के बच्चों ने इसमें काम किया है, मेन लीड में जम्मू का लड़का है, मेन लीड्स में डिफरेंट लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं हमारे जम्मू की, और बॉलीवुड के एक दो स्टार्स के बीच में, आप ज़रूर पिक्चर कल देखने आइए। तो आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा, बहुत सारे थ्रिल्स हैं, बहुत सारी मिस्ट्री है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, हम मीडिया वालों को तो इन्वाइट किया ही गया है, मगर मेरे जो व्यूअर्स हैं उस चैनल की तरफ से, मैं भी आप सबको इन्वाइट करना चाहूँगी और ईरा ऑफ 1990s की मूवी ज़रूर देखने आइए। तो नेक्स्ट एक खास बातचीत में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।